लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सरी पर, बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की और रिश्तों की। वक्त हो चला है अगली बातचीत को करने का। अगर आप भी मुझसे बात करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर है मेरा 01141719191। अभी वक्त है एक ऐसी ही बातचीत को सुनने का। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर मैं भी मैरिड हूँ और मेरे पड़ोस में रहते हैं लेडीज, वो भी मैरिड हैं, बट अभी करीब एक महीने से हमारे मतलब बातचीत स्टार्ट हुई। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, मतलब वो भी थोड़ा सा मतलब डरते हैं, मैं भी डरता हूँ फैमिली को लेके, वो भी, तो सर मतलब आगे हम बात बढ़ाना वो चाहती हैं, पर मैं थोड़ा डरता हूँ कि ना कल को उनकी फैमिली को मेरी फैमिली को पता लग गया तो अच्छा रहेगा। किस नाते बात बढ़ाना चाहती हैं? लवर के तौर पर, रिलेशन भी तो लवर के तौर पर अगर आगे बढ़ाना चाहती हैं तो ये तो गलत है सर, मोरली एथिकली हर तरीके से गलत है सर। हाँ सर, वही आपकी वाइफ के साथ क्या तकलीफ है रिश्ते में? सर कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी सी टेम्पटेशन, थोड़ी सी अपनी डिजायर्स के लालच में ना हम कभी कभार बाहर ऐसे रिश्ते बना लेते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी तो तहस नहस होती है। ये पीछे आपके बच्चे भी हैं, मुझे लग रहा है कि यू आर अ फादर नाउ, है ना? तो बच्चों के साथ भी, हाँ बच्चों के साथ भी अलग तरीके का, एक तरीके का अलगाव हो जाता है, क्योंकि जब एक वाइफ को ये बात पता चलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे ही आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ प्यार मोहब्बत और ये सारी चीजें कर रहा है, तो अभी तो ये सब कुछ बड़ा जनो एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। जैसे ही घर में ये खुलासा होता है ना, उसके बाद आपको ये सब चीजें नफरत देने लगती है। जी सर, जी तो मैं बस ये कह रहा हूँ सर कि अपने आप को थोड़ा काबू करो। जी सर, और कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लॉकडाउन में ना बहुत ऐसे रिश्ते बन गए हैं जिनसे शायद हम कभी बात नहीं करते थे, वो आपके साथ पड़ोस में बहुत साल से रह रही होंगी। जी सर, वो दरअसल ऐसा हुआ, अभी लॉकडाउन हुआ है जैसा आप बता रहे हो, तो अभी मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी, थोड़े से रेंट पे रहते हैं, मैं अपना मकान है तो मेरे सामने रहते हैं रेंट पे, तो उनको थोड़ा सा लॉकडाउन में दिक्कत आई थी तो मैंने थोड़ी हेल्प कर दी, इसके दौरान हम दोनों पास आए, बातचीतें हुई। आप हेल्प करने के बहाने किसी से प्यार करने लग जाते हो तो मुझे लगता है कि वो हेल्प जो है वो निस्वार्थ भावना से नहीं हुई, तो बट वो मेरे से थोड़ा ज्यादा ही। सर कम ऑन, आप एक छोटे बच्चे नहीं है कि जिसको किसी ने फुसला लिया, आप एक मैरिड मैच्योर इंसान है जिसका अपना एक बच्चा है, एक वाइफ है, वो पूरा एक परिवार चलाता है, तो आप किसी को ये बात कहेंगे ना तो बोलेगा कि भाई इतने ना समझ तो आप नहीं है, ठीक है? तो तरीका इसका यही है सर कि इसको इमिडिएटली आप पूरे तरीके से एक ब्रेक लगा दीजिए, ठीक है? और बोलिए कि देखिए मैं थोड़ा बहक गया था, मैं माफी चाहूंगा, ठीक है? एक अच्छा पड़ोसी जो होता है उसका किरदार मैं निभा सकता हूँ आपकी जिंदगी में, और याद रखिए आपकी वाइफ है जिनके साथ कोई समस्या नहीं है आपकी, आपका एक छोटा सा बच्चा है जिसको आपके परवरिश, आपके अच्छे परवरिश, ठीक है, और अच्छे जो गाइडलाइंस होती है और अच्छी अपब्रिंगिंग की जरूरत है। अगर ये सब आप करेंगे तो उस पर एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके पूरे परिवार पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको इमीडिएटली रोकना, अपने ऊपर काबू रखना, अपने जज्बातों पर, अपने टेम्पटेशंस के ऊपर काबू रखना सर, यही आपकी मदद करेगा। जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।